सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ हूं और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से एक गुड न्यूज है। आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आपके लिए काफी अच्छा न्यूज है, क्योंकि जैसे कि हम सभी क्रिएटर का दिन ब दिन जो है यूट्यूब पर इनकम जो है वो काफी कम होते जा रहे थे, क्योंकि एडवर्टाइज ऐसे ही आता था तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनकम कम हो गया था। बट अभी YouTube की तरफ से मेरे पास बहुत पहले ही ये न्यूज़ आ चुका था, तो मैं सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये जो एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूं। तो इसी कारण से मैं आज एक वीडियो बनाया आप सभी के साथ। YouTube की तरफ से यही नया न्यूज़ आया है कि पहले क्या होता था, आप अगर कोई एक वीडियो बनाते थे वो अगर 10 मिनट से ज़्यादा होता तब जाके आपका वीडियो पर 2 एडवर्टाइजमेंट आने का चांसेस रहता था। तो फिलहाल यूट्यूब ने यही देखा कि दिन ब दिन जो है यूट्यूबर का जो इनकम है वो कमते जा रहा था, तो इसी कारण से यूट्यूब ने नया जो ट्रिक निकाला वो है, आपका अगर आपका वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा होगा तो उस पर आपका 2 एडवर्टाइज आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा, आप खुद से जो है वो सेट नहीं कर सकते। जैसे कि पहले होता था वैसे ही अभी भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है, जो वीडियो का लेंथ है, वो यहाँ पे कम कर दिया गया है। ड्यूरेशन पहले था 10 मिनट और अभी हो गया 5 मिनट, यानी कि आपका अगर 5 मिनट का कोई वीडियो है तो आप 2 एडवर्टाइज का पैसा कमा सकते हैं, यानी कि इनकम आपका यहाँ पे डबल होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है और हर किसी का, मेरा अंदाजा से हर किसी का जो वीडियो है वो 5 मिनट लगभग हो ही जाता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा जो इम्प्रूव होगा मुझे लगता है जितना यूट्यूब क्रिएटर में। और दूसरा जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है यूट्यूब की तरफ से न्यूज़ है, ये 2019 से लागू होगा, फिलहाल ये लागू नहीं हुआ है, 2019 से लागू होगा। तो मेरे पास करीब 2 हफ्ता पहले ये न्यूज़ आ चुका था और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इसके बारे में जानें और आप सभी भी इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है, पहले क्या होता था, आपका चैनल पर अगर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता था तो आपको मतलब पता भी नहीं होता था कि किस कारण से आपका चैनल पर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। मतलब आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल भेज दिया जाता है कि आपके चैनल पर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया है और आपको पता भी नहीं चलता था कि किस कारण से, कौन सा जगह के लिए आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको YouTube ने साफ साफ बता दिया 2019 से आपको पूरा डिटेल्स के साथ ईमेल करेगा, अगर आपका चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपको टोटल डिटेल्स में मिल जाएगा कि किस कारण से मिला, कौन सा म्यूजिक के कारण से मिला है, कौन सा वीडियोस के लिए मिला, कहाँ तक वो वीडियो कॉपीराइट में आता है, तो सब डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि आप मतलब आगे चलकर जो है उस चीज़ को जो है अवॉइड करेंगे, आप कर पाएंगे अवॉइड, क्योंकि आपको पता होगा कि इस कारण से मुझे जो है स्ट्राइक लगा है। पहले क्या होता था, आपको पता भी नहीं लगता था किस कारण से स्ट्राइक लगा है, तो वो मतलब सुधारना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस कारण से आपके चैनल पर जो है स्ट्राइक लगा है। तो फिलहाल जो है ये चीज़ को सुधार लिया जाएगा, 2019 से ये लागू होगा और मुझे जितना लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हम सभी यूट्यूबर के लिए काफ़ी अच्छा होगा इसके लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, उससे क्या होगा इस चैनल पर जितना भी आगे वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताइएगा यूट्यूब का जो ये डिसीजन है वो कैसा लगा आपको। दोस्तों, मिलते नए और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।